गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट, ओके। एंड नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट लेटर वी, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन की सहायता से हम कैसे वी लिखेंगे, लेटर वी लिखेंगे, आज हम वो जानेंगे, ओके। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू राइट लेटर एन, एम, के, ये जो भी हमने लेटर सीख रहे हैं, ए, ये विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन, इसी की सहायता से आज हम एक लेटर वी सीखेंगे, ओके। तो देखो मैम ने कैसे बनाया, एरो देखो, इस एरो के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। जैसे एरो लिखा है, ऐसे जैसे मैम ने एरो दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हाथ को मूव करना है। जैसे देखो अप टू डाउन है, स्लैंटिंग लाइन थोड़ा सा तिरछा आता है ना, तो आप भी इसको अप टू डाउन आप इसमें कलर करोगे। आपको ये ध्यान में रखना है जे आपकी कलर बाहर नहीं होना चाहिए, ओके। तो आपका ये कौन सा लाइन बन रहा है, ये है आपकी कौन सी लाइन, स्लैंटिंग लाइन। विच लाइन इज दिस, दिस इज स्लैंटिंग लाइन, ओके। ये आपका स्लैंटिंग लाइन बन गया, ये है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट साइड की, ओके। नाउ आफ्टर जॉइन एगन स्लैंटिंग लाइन, ओके। नाउ और एक स्लैंटिंग लाइन यहाँ से, ये जाएगा आपका डाउन टू अप। जैसे आप वी लिखते हो ना, पहले आप से लेके फिर ऊपर जाते हो, आप से लेके डाउन आते हो, फिर डाउन से ऊपर आते हो, तब आपकी लेटर बनता है वी, ओके। ये देखो मैम ने वी कलर कर दिया, देखो मैम की कुछ भी कलर बाहर नहीं गया, आप भी ऐसे ही करोगे, ओके। तो आज हम लेटर कौन सा लेटर सीखा, आज हम लेटर वी कलर किया और लेटर लिखना भी सीखा। तो कौन सा लाइन इसमें यूज़ होता है ना, स्लैंटिंग लाइन। देखो अप टू डाउन एंड देन डाउन टू अप, ये आपको दो स्लैंटिंग लाइन ज्वाइन करके आपको वी लिखना है, ओके। अब हमको पता है जे वी फॉर क्या होता है, वी फॉर वैन होता है, वी फॉर वायलिन होता है। यहाँ पे भी देखो दो मैम ने बनाया है, आपको जैसा भी कलर चॉइस है आप यहाँ पे कलर कर सकते हो, ये भी आपको अच्छे से करना है, बाहर नहीं जाना है, ओके। देखो मेरे को ब्लू कलर पसंद है तो मैंने ब्लू कलर कर दिया, आपको कुछ भी कलर पसंद होगा तो आप इसमें कलर कर देना कुछ भी कलर, और इसमें वायलिन में हम मुझे ब्राउन कलर पसंद है तो मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ, आपको जो भी कलर पसंद है आप इसमें कलर कर देना। तो वी फॉर हमने क्या सीखा, वी फॉर वैन, वी फॉर वायलिन, ओके। तो हमने आज क्या, कौन से लेटर सीखा, विच लेटर इज दिस, ना दिस लेटर इज वी, ओके। एंड हाउ टू राइट दिस, ना स्लैंटिंग विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन, ओके, अप टू डाउन एंड देन डाउन टू अप, ओके। नाउ आते हैं आप विद द डॉट की सहायता से, डॉट की हेल्प से हम भी लिखना सीखेंगे। कैसे, देखो मैम ने यहाँ पे डॉट लगा, देख रहे हो ये आपकी इंग्लिश वाली नोटबुक है, इंग्लिश वाली नोटबुक में 4 लाइन्स होता है, उसमें से ऊपर वाले जो 3 लाइन्स है उसी में आपको लिखना है, नीचे वाली लाइन को आपको टच नहीं करना है। तो ऊपर वाले लाइन में मैम ने 2 डॉट्स लगाया और नीचे ये ब्लू लाइन में मैम ने 1 डॉट्स लगाया, तो आपको डॉट टू डॉट ज्वाइन करना है। सबसे पहले अप टू डाउन एक इस डॉट को ज्वाइन करोगे, फिर डाउन टू अप, दोनों ही स्लैंटिंग लाइन बन रहा है, ओके। तो आपका दोनों स्लैंटिंग लाइन आपको ज्वाइन करके वी लिखना है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, डाउन टू अप, दिस लेटर मेक्स अ वी, ओके। तो विच लेटर इज दिस, दिस इज अ लेटर वी। हम हाउ टू राइट दिस लेटर, ना दो स्लैंटिंग लाइन की सहायता से हम लेटर वी लिख रहे हैं। पहले हम जॉइंट करेंगे डॉट टू डॉट को, उसके बाद देखो लेटर वी बन रहा है। सबसे पहले हम अप टू डाउन किया, फिर डाउन टू अप, अप टू डाउन, डाउन टू अप, तो फिर आपकी कौन से लेटर बन रहा है, ये ना लेटर वी। आप भी आपकी होमवर्क जो मैम देंगे इस नो आपकी कॉपी में, आप जैसा जैसा मैम लिख रहे हैं वैसा ही नीट एंड क्लीन आपको लेटर वी लिखना है, ओके। तो फिर वी कैसे लिखा, ना अप टू डाउन, डाउन टू अप, दो आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके फिर उसको आपको क्या लेटर, ना आपको वी लिखना है, ओके। तो आज हमने कौन सा लेटर सीखा, आज हमने लेटर वी लिखना सीखा विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग लाइन एंड विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, ओके। वी फॉर क्या होता है, वी फॉर वैन होता है, वी फॉर वायलिन होता है। आप इसमें
आपकी जो कलर पसंद है, जो चॉइस आपका अच्छा लगता है, जो कलर आपको चॉइस है वो आपसे कलर करना है। और ये ध्यान में रखते हुए करोगे जो कलर कुछ भी बाहर नहीं आए। ओके, तो यहाँ पे आप कलर लेटर को कलर करोगे और यहाँ पे डॉट टू डॉट ज्वाइन करके आपको लेटर वी लिखना है। डॉट टू डॉट नहीं ज्वाइन होगा तो आपका लेटर भी अच्छा से नहीं बनेगा और फिर अच्छा भी दिखने नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको डॉट टू डॉट ज्वाइन करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। ओके, थैंक यू।